Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 2, Physical Features of India further, and in today's video we are going to start reading this section called the Peninsular Plateau. So we are going to read the Peninsular Plateau section here, so we are going to read it here. And before we read the Himalayan Mountains, we are going to read it here, so Northern Plains. सो नाउ यहाँ पे याद रखो, जो पेनिनसुला है वो हम किसको कहते हैं, तो पेनिनसुला हम उस जमीन की से कहते हैं जिसको जो सराउंडेड होता है वाटर बॉडी से तीन तरफ से. और प्लेट्यू क्या है, तो याद रखो प्लेट्यू वो टेबल लैंड यानी कि वो फ्लैट लैंड होगा जो उसके जो सराउंडिंग एरियाज होंगे उससे थोड़ा वो एलिवेटेड होगा यानी उठा हुआ होगा. तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है. तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा द पेनिनसुला प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कम्पोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पेनिनसुला प्लेट्यू है वो क्या है. तो पेनिनसुला प्लेट्यू एक टेबल लैंड है और वो किस चीज़ से बना है, तो बोला गया ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से ये बना है. तो क्या किससे बना है पेनिनसुला प्लेट्यू, तो याद रखो ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से पेनिनसुला प्लेट्यू बना है. इससे पहले जब हमने पढ़ा था हिमाद्री के बारे में तो वहाँ पे हमने देखा था कि हिमाद्री किससे बना था, तो हमने वहाँ पे देखा था उसका जो कोर है वो ग्रेनाइट से बना है. ऐसे करके जब हमने हिमाचल की बात की थी तो हिमाचल में हमने देखा था कि वो जो हिमाचल है वो किससे बना है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि वो बना है किससे, तो वहाँ पे हाईली कॉम्प्रेस एंड ऑल्टर्ड रॉक से बना है यानी कि वहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक से बना है. और आगे जब हमने पढ़ा था किस बारे में, तो हमने आगे बढ़ के वहाँ शिवालिक्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि वो बना है किससे, तो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स से. और जब हमने नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि नॉर्दर्न प्लेन्स किससे बना है, तो एलुवियल सोइल से ये बना है. तो ऐसे करके यहाँ पे भी तुम याद रखो कि पेनिनसुला प्लेटू किससे बना है, तो याद रखना है ओल्ड क्रिस्टलाइन किससे बना है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से ये बना है. तो आगे यहाँ पे बोला गया इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क. तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ. तो पेनिनसुला प्लेट्यू का फॉर्मेशन तब हुआ जब जो गोंडवाना लैंड नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था. जब वो गोंडवाना लैंड वो क्या हुआ, वो ब्रेक हुआ यानी कि वो टूट गया और उसका वो क्या किया, वो ड्रिफ्ट किया यानी कि वो मूव करना शुरू किया, तो तब जाके हमारा जो पेनिनसुला प्लेट्यू है उसका निर्माण हुआ. तो अब यहाँ पे याद रखो गोंडवाना लैंड क्या है, तो एक सुपर कॉन्टिनेंट है यानी वो सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. वो ऐसा एक सुपर कॉन्टिनेंट था जहाँ पे हमें देखने को मिलता था कि वहाँ पे बहुत सारे जैसे कॉन्टिनेंट्स थे, जैसे कि अभी फिलहाल का जो एंटार्क्टिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है उसी का हिस्सा था. ऐसे करके जो हमें अरेबिया, इंडिया, मैदागास्कर जो देखने को मिलता है ये सब भी उसी का हिस्सा हुआ करता था. तो यहाँ पे याद रखो पेनिनसुला प्लेट्यू का निर्माण कैसे हुआ, तो जो गोंडवाना लैंड था वो क्या हुआ, वो टूटा यानी कि इट ब्रोक एंड आफ्टर दैट इट व्हाट डिड इट डू, इट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग यानी कि वो मूव करना शुरू किया और ऐसे करके पेनिनसुला प्लेट्यू का निर्माण हुआ. और यहाँ पे आगे बताया गया कि पेनिनसुला प्लेट्यू क्या है, इट्स पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क यानी कि जो ओल्डेस्ट लैंडमार्क यानी कि जो गोंडवाना लैंड है उसी का ये हिस्सा है. तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है. तो आगे तुम्हें देखने को मिलेगा द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स. तो ये जो प्लेट्यू है यानी कि जो हम पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ पे हमें कैसे वैलीज और कैसे हिल्स देखने को मिलता है, तो बोला गया है कि यहाँ पे हमें ब्रॉड और शैलो वैलीज देखने को मिलता है और साथ में वहाँ पे राउंडेड हिल्स देखने को मिलता है. तो यहाँ जो ब्रॉड होगा तो चौड़ा होगा और जो शैलो होगा तो उतना वो गहरा नहीं होगा. तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है. तो वहाँ के जो वैलीज होंगे वो ब्रॉड और शैलो होंगे और जो हिल्स होंगे वो जो उसके जो टॉप होंगे वो क्या है, राउंडेड होंगे, वो पॉइंटेड नहीं होंगे. तो ये चीज़ याद रखना है. दिस प्लेट्यू कॉन्सिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू. तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है इसमें दो भाग है. क्या क्या भाग, तो बताया सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू. तो याद रखना है अगर कभी पूछा जाए कि पेनिनसुला प्लेट्यू में कौन से दो भाग है, तो याद रखना है सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू. तो आगे यहाँ पे बताया गया है, तुम देख सकते हो वहाँ पे द पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मलबा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स. तो यहाँ पे तुम बुक में फिर से देख लेते हम एक बार मैप को. तो यहाँ पे जो मैप है मैप में तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा नर्मदा रिवर. आई डोंट नो वेदर यू आर बीइंग एबल टू सी और नॉट, लेकिन यहाँ पे तुम बुक में देख लो फिगर 2.2 में, तो वहाँ पे तुम्हें नर्मदा रिवर दिख जाएगा. तो यहाँ पे यही चीज़ बुक समझा रहा है कि नर्मदा रिवर के ऊपर में जो ये मलबा प्लेट्यू का रीजन है याद रखो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स. तो यहाँ से लेके ये जो छोटानागपुर प्लेट्यू है ये सब भी मलबा, ये जो तुम्हारा ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहेंगे. तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना हो. तो यहाँ पे यही चीज़ बुक समझा रहा है, बुक में बताया जा रहा है तुमको कि द पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू यानी कि वो हिस्सा पेनिनसुला प्लेट्यू का जो पड़ता है कहाँ पे, तो नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर. तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ की ओर जो कवर करता है मेजर एरिया ऑफ द मलबा प्लेट्यू यानी कि जो बड़ा सा हिस्सा जो मलबा प्लेट्यू के हिस्से में वहाँ पे वो फैला हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, तो सेंट्रल हाईलैंड्स उसको हम कहते हैं.
The Vindhyan Range is bounded by the Satpura Range on the south and the Aravalli is on the northwest. तो आगे यहाँ पे बताया गया है किस बारे में, तो विंध्यन रेंज के बारे में. तो यहाँ पे तुम्हें विंध्या रेंज दिख जाएगा. तो यहाँ जो मलबा प्लेट्यू लिखा है, मलबा प्लेट्यू के नीचे की ओर यहाँ पे विंध्या रेंज तुम्हें दिख रहा है. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो विंध्या रेंज है इसके साउथ की ओर वहाँ पे सतपुरा रेंज है और ऐसे करके इसके नॉर्थ वेस्ट की ओर वहाँ पे हमें अरावली रेंज देखने को मिलता है. तो ये चीज़ तुम्हें बुक समझा रहा है. तो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, तुम देख सकते हो वहाँ पे कि द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस इन विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान. तो आगे बताया गया है कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है जितना वो फर्दर वेस्टवर्ड वो मूव करता है तो ये किससे किसके साथ मर्ज होता था, तो ये किसके साथ मिक्स हो जाता है, तो ये बताया गया ये मर्ज हो जाता था किससे किसके साथ, तो सैंडी और रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान के साथ. नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चांबल द सिंध द बेटवा एंड केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट दस इंडिकेटिंग द स्लोप. तो यहाँ पे बताया गया यहाँ पे जो रिवर्स हमें देखने को मिलता है, तो एक बार मूव ये बीच को घुमा लेते हैं. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो रिवर्स है यहाँ पे दिख रहा है या नहीं, चंबल रिवर ऐसे करके ये जो नीचे वाला इस ये जो दिख रहा है ये तुम्हारा कौन सा रिवर है, तो ये बेटवा रिवर है और इसके नीचे में यहाँ पे केन दिख रहा है और ऐसे करके यहाँ बीच में चंबल और ये जो मैंने तुम्हें बताया बेटवा इसके बीच में एक रिवर होगा जिसका नाम होगा क्या, तो सिंध. तो ये तुम हमारे तुम्हारे पास एटलास है तो तुम देख सकते हो या फिर नेट में तुम सर्च कर सकते हो. तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो रिवर्स है जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये फ्लो करता है किस दिशा से किस दिशा की ओर, तो बताया गया है कि ये साउथ वेस्ट दिशा से. तो ये जो साउथ वेस्ट यहाँ से हो गया ये यहाँ से ये जो फ्लो कर रहा है तो ये साउथ वेस्ट दिशा से बहेगा, यानी कि साउथ वेस्ट दिशा से बहेगा किस ओर, तो बोला है नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर. तो ये जो रिवर है ऐसे ये बहते हुए ऐसे जाएगा, तो ये रिवर ऐसे ये बहेगा. तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया और इसके थ्रू यानी कि जो रिवर का जो बहाव है उसके थ्रू हमें समझ में आता है कि ये जो ज़मीन का हिस्सा है यानी जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वहाँ पे ढलान कैसा है, किस तरफ वो ढलान है, ये चीज़ यहाँ हमें देखने को मिलता है किसकी मदद से, तो ये रिवर्स के फ्लो की मदद से. तो ये चीज़ बुक तुम्हें समझा रहा है कि जो फ्लो ऑफ द रिवर्स है जो बहता है यानी ड्रेन करता है इस एरिया में नाम क्या है, तो बताया चंबल सिंध बेटवा केन, ये कहाँ से कहाँ किस ओर है, तो किस ओर से किस ओर है, तो याद रखो ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है और ऐसे हमें ये ढलान का पता चलता है यानी कि कहाँ कैसा वहाँ पर स्लोप है ये हमें पता चलता है. उसके बाद आगे बताया गया है कि द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट. तो आगे याद रखना है कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स का हिस्सा है वो वेस्ट की ओर ज़्यादा चौड़ा है और वो संकरा है किस ओर, तो ईस्ट की ओर. तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है. द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बागेलखंड. तो ईस्ट प्लेट्यू का यानी कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स का जो एक्सटेंशन है ईस्ट की ओर, तो उसको हम लोकली वहाँ पे क्या कहते हैं, तो बुंदेलखंड और बागेलखंड कहते हैं. याद रखो ये तुम्हें मध्य प्रदेश और थोड़ा सा यूपी के एरिया में वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम बुंदेलखंड और बागेलखंड कहते हैं वहाँ पे लोकली. आगे बताया गया है कि जत्थोटानकपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर. तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है सेंट्रल हाईलैंड्स का और फर्दर जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो तुम्हारा छोटानागपुर प्लेट्यू है और यहाँ छोटानागपुर प्लेट्यू के रीजन में तुम्हें वहाँ पे कौन सा रिवर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे तुम्हें दामोदर रिवर देखने को मिलेगा. तो ये चीज़ बुक तुम्हें यहाँ पे समझा रहा है. सो हमने आज यहाँ पे क्या कवर किया, तो हमने यहाँ पे देखा पेनिनसुला प्लेट्यू क्या है, साथ में हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये किससे बना है और ये कैसे फॉर्म हुआ, और आगे हमने देखा यहाँ पे कैसे वैलीज़ कैसे हिल्स देखने को मिलते हैं, और हमने देखा इसके डिविजन्स के बारे में. तो हमने देखा इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्या सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू. और हमने आज के वीडियो में यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़ा, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो हमने यहाँ पे जाना कि वो वाला हिस्सा वो वाला प्लेट्यू का हिस्सा यानी कि ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू का वो वाला हिस्सा जो पड़ता है किसके ऊपर में, तो नर्मदा रिवर के ऊपर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू का कौन सा वाला हिस्सा, तो सेंट्रल हाईलैंड्स वाला हिस्सा. और हमें देखने को मिला ये जो मलबा प्लेट्यू है उसमें पड़ता है, ऐसे करके हमने वहाँ पे पढ़ा कि ये जो विंध्या रेंज है वो नीचे की ओर से किससे घिरा है, तो सतपुरा रेंज से, और ऊपर की ओर से यानी कि नॉर्थ वेस्ट की दिशा से वहाँ पे अरावली रेंज देखने को मिलता है. और आगे हमने बढ़ के पढ़ा कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है सेंट्रल हाईलैंड्स में जो स्लोप है वो हमें कैसे पता चलता है, तो ये रिवर्स है जो वहाँ पे बहते हैं यानी कि जो हमें पढ़ने को मिला चंबल सिंध बेटवा केन ये सब क्या है, तो ये रिवर्स के नाम है और ये ट्रिब्यूटरीज है यात्र को, ये ट्रिब्यूटरीज है किसके, तो यमुना के, और इनके बहाव की वजह से वहाँ पे हमें पता चलता है वहाँ पे स्लोप कैसा है. ऐसे करके हमें देखने को मिला कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो किस ओर यानी कि जो वेस्ट की ओर वो चौड़ा है और वो नैरो है किसकी ओर, तो ईस्ट की ओर, तो ये हमने पढ़ रखा है. और साथ में हमें जाना कि इसका जो ईस्ट
ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है उसको हम लोकली बुंदेलखंड और बागेलखंड भी कहते हैं। और आगे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो इसका जो ये जो सेंट्रल हाईलैंड से इसका फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हम वो क्या कहते हैं, तो हम छोटा नागपुर प्लेटू कहते हैं। और वहाँ पर वो ड्रेन होता है कौन से रिवर के द्वारा, तो बताया गया है वहाँ पर दामोदर रिवर उसको ड्रेन करता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ रखा है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप योर फॉर टूडे चिल्ड्रेन। हम ये जो डेक्कन प्लेटू यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेटू का जो भाग है डेक्कन प्लेटू, उसके बारे में आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।